तो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, वाली वीडियो में कई दिनों बाद खेलने जा रहा हूँ WR3D, और इसमें मैच करने जा रहा हूँ सीमस वर्सेस दे रेटेड आर सुपरस्टार एज। वैसे तो इनका मैच कल हुआ था WWE स्मैकडाउन में, और ये जो मैच था वो रेटेड आर सुपरस्टार एज का लास्ट मैच था, क्योंकि इसके बाद रिटायर हो चुके हैं हमारे द रेटेड आर सुपरस्टार एज, क्योंकि इन्हें शायद से 25 ईयर्स हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं वही मैच करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं जो है एज को कंट्रोल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैच हो चुका है हमारा स्टार्ट। और मैच स्टार्ट होते ही के साथ यहाँ पर सीमस ने बहुत ही अच्छा कमबैक करा, मतलब अब सीमस जल्दी से ऊपर आ जाओ और ये खाओ DDT। और यहाँ पर ये सीमस कैमरा को क्यों लाए हैं, तो ये लो सीमस एक नेक ड्रॉप, और यहाँ पर हमारे एज का फिनिशर आने वाला है। वैसे मैंने कल का मैच देखा, वैसे बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मैच था, मतलब एक पेपर व्यू की तरह मैच था वो, सीमस वर्सेस एज। तो यहाँ पर एक मूव लगाने आ रहा था जो कि रिवर्स हो चुका है, और यहाँ पर ये लो सीमस, ये लो एक पंच, ये लो, और जल्दी से खड़े हो जाओ। और ये तगड़ा स्पीयर देने जा रहा था यार, रिवर्स कर दिया यहाँ पर सीमस ने। और ये लो सीमस एक, ये मूव इसका नाम पता नहीं क्या है ये। तो यहाँ पर अब लगाते हैं फिनिशर, सॉरी स्पीयर, क्योंकि फिनिशर तो आने में भी टाइम है। तो जल्दी से सीमस खड़ा हो जा, और ये ले तगड़ा स्पीयर जो कि बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर सीमस ये लो नेक ड्रॉप, और गाइस फिर से मेरा चैनल बहुत ही डाउनफॉल में जा चुका है, मैं क्या बताऊँ आपको यार। फिर से दो दो तीन तीन व्यूज आ रहे हैं यार गाइस, क्या हो जाता है एकदम से। तो यहाँ पर एक हाई स्लाइम वो जो कि एज ने लगाया है, वैसे ये लो एक सबमिशन में डाल देते हैं। और ऊपर आप देख सकते हो हमारे सुपरस्टार एज का फिनिशर आने वाला है, बस थोड़ा बहुत ही और कम है, और ये रिवर्स कर दिया। यहाँ पर उठो जल्दी से, यहाँ पर सीमस पीटे ही जा रहे हैं एज को, तो ये लो और ये लो। तो यहाँ पर जल्दी से फिनिशर आने वाला, जल्दी से एज को मूव लगाओ यहाँ पर सीमस को। तो ये लो एक मूव, और ये रेफरी कहाँ बीच में घुसता है। तो ये लो, और ये रिवर्स कर दिया भाई, सीमस ने रिवर्स कर दिया और मैंने रिवर्स करा तो रिवर्स ही नहीं हुआ। और यहाँ पर रिंग में ये डंबल क्या कर रहा है, तो ये रिवर्स हो जा, तो ले इसको यहाँ पर रिवर्स कर दिया है मैंने। और यहाँ पर थोड़ा बस और कम है फिनिशर आने में, तो ये एक मूव, और इसी के साथ फिनिशर आ चुका है। अब लगाते हैं ये मतलब सीमस को स्पीयर, तो ये एक तगड़ा स्पीयर सीमस को, और अभी फिनिशर गया नहीं है, तो एक बार और लगाते हैं फिनिशर। तो जल्दी से रिंग के बीच में लेकर चलते हैं, और ये स्पीयर जो कि रिवर्स हो गया था क्योंकि हमारा फिनिशर चला गया था जब तक। और ये लो एक, ये पता नहीं क्या मूव है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर अभी पिनफॉल नहीं करूँगा मैं एक बार, और भाई साहब ये सीमस अंडरटेकर का सबमिशन चुराता है भाई। तो ये एक साइड स्लैम, और हमारे एज अब बजा रहे हैं पंच पंच सीमस को फिनिशर लाने के लिए। तो यहाँ पर पंच पंच लगाने के बाद अब लगाते हैं सीमस को एक स्पीयर, और ये ग्लिटर लगा दियो भाई, ये सीमस चोर है, इसने मतलब कितने जने के मतलब मूव चुराए हैं। तो ये रिवर्स कर दिया मैंने, ये साइड स्लैम लगाने आ रहा था, और आपने देखा मतलब अब रोमन की ग्लिटिन भी लगा दी इसने, और ये एक सुप्लेक्स। तो यहाँ पर लात घुसंड बजा देते हैं इसमें सीमस में, और यहाँ पर हमारा फिनिशर आ जाएगा जब तक। तो ये ले सीमस, ये ले, ये ले और ले और ले और ले, और यहाँ पर एक आध मूव और खा ले सीमस, उसके बाद तो फिनिशर आ जाना। और एक और साइड स्लैम, और ये लात पंच वंच फिर से स्टार्ट हो चुके हैं, और ये रिंग के बीच में ये बैल किसने रख दिए मतलब। तो यहाँ पर एक आध पंच और एक और, इसी के साथ आ चुका है हमारे रेटेड आर सुपरस्टार का स्पीयर। तो थोड़ा पीछे लेके चलते हैं, और ये तगड़ा स्पीयर करते हैं पिनफॉल,
तो रेफरी, अरे ये रेफरी कहाँ गया। तो ये 1-2 और यहाँ पर 3, तो इसी के साथ जीत चुके हमारे एज, ये बचा नहीं आया था। तो गाइस आइए, आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नहीं दासू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।